सुबह सुबह आज हरी सब्जी लेके आए हैं, तो ये मेथी हमने काट ली है। ये मेथी छोटी वाली थी मेथी, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, पर इसमें मिट्टी बहुत होती है। और ये सोया है, सोया दो ऐसी छोटी छोटी दो जो है बनी होती है मुट्ठे ऐसे, तो ये 15 रुपए के दो देते हैं। और ये पालक भी हमने धुल के रख ली, साफ करके लिए इसकी पकौड़ी बनाएंगे और वो बनाएंगे पालक पनीर बनाएंगे आज, क्योंकि आज सैटरडे है तो कुछ बना लेंगे, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी है आज तो जाना नहीं स्कूल है। वही अपना ये सोया साफ करके रख ले रहे हैं, हमें साफ करके कट करके रख ले धुल के, तो बनाने में आसानी रहती है। तो ये थोड़ी सी हरी सब्जियां थी तो हम काट रहे हैं, इनका काट ले तो बनाएंगे। रेडी बाल बाल हमने सुखा लिए और मेकअप भी मेरा हो गया है, इतना ही है मेरा मेकअप। अब हम चलते हैं खाना बनाने और खाना बना लेते हैं। ये सोया बनाएंगे, सोया आलू छील के रख लिए थे पहले से, और ये इसमें ये इधर हमने सिवई बना ली। सिवैया एक दिन बनाई थी हमने, तो गाना कहने लगे मम्मा ये क्या है, तो हमने कहा सिवैया, तो कह रही है बहुत टेस्टी लग रही है, तभी फिर हमने कहा आज लो और फिर बना देते कान्हा के लिए। तो ये कान्हा के लिए बना रहे हैं, कान्हा को बहुत अच्छी लग रही है। और ये इधर मसाला इसके तड़के, सोया के लिए तड़के के लिए हमने ये सब लहसुन और जीरा मेथी और हरी मिर्च, लहसुन ढेर डाला है, सिर्फ फोड़ के डाला है और काट के नहीं डालते हैं, हम फोड़ के डालते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब सोया भी हमने काट के धुल के पहले ही रख लिया था, ये हमारा सोया है। आलू हम इसमें अभी कट कर लेंगे, आलू भी कट करके इसमें, तब तक ये हो रहा है हमारा, वो लहसुन भुन रहा है, तब तक हम इसमें आलू काट लेंगे, तैयार करके फटाफट बना ले खाना। सोया भी है और मेथी भी है, सोया मेथी ये देखो, ये पूजा पाठ कर रहे हैं ये बैठे, क्या कर रहे हो शिवानी, ये पूजा का सब सामान गिरा रहे हो गई तुम्हारी पूजा, पड़ी कहां से तुम्हें सिंदूर मिला है, देखें क्या हम, ये क्या बने घूम रहे हो, नहा लो तब करना, ये धूपबत्ती लिए और टी शर्ट से गोल गोल करेंगे, हाथ से करेंगे गोल गोल है। ये मीठी नीम है, तो मीठी नीम के पत्ते ने धुल लिए थे, धुल के और ऐसे ही उसको तोड़ के हल्का सा पानी इसका सूख जाएगा ना, तो फिर इसको डब्बे में पूरा भर के रख लेंगे, फिर हम अपना पूरा यूज करते रहते हैं, पूरी फ्रेश फ्रेश रहती है, इसे ताजी बनी रहती है। तो ये सब इनको ऐसे ही हल्का हल्का सा, जो बेकार वाली होंगी लीव्स वो निकाल देंगे और हम इनको सब सुखा देंगे ऐसे अच्छे से, मतलब धूप में नहीं सुखाएंगे, ऐसे हल्का सा धूप लग रही है बस, तो इस पे ऐसे पानी सूख जाए बस, अभी टॉवल पे डाल दिया है हमने, क्योंकि पानी सूख जाए रख देंगे इसको, फिर जब कभी खाना बनाओ या कुछ भी किसी चीज करी इसकी जरूरत पड़ती है ना मीठी नीम की, तो तुरंत ले लो अपना, और धुली धुलाई रखी रहती है एकदम फ्रेश। मिक्स कर दिए इसी में,
फैला दिया। कहाँ से लिए मैंने तुम्हें, कौन सी शिवान कहाँ से सिंदूर मिलाई है? शिवान मैंने। हाँ। कौन सी क्या? बुक है ये। कौन सी क्या? मम्मा शिवान की पैंट पीछे देखो जरा। कौन सी क्या? फोन किसका आ रहा है ना? मैं देखो। चलो चलते हैं मार्केट, जा रहे हैं मार्केट, कल कपड़े लेने गए थे कान्हा के और शिवान के, तो कान्हा के तो हो गया, शिवान का रह गया, तो शिवान का भी हो गया था पर उसमें थोड़ा सा कुछ स्टिच वगैरह था तो वही करवाना था, तो उन्होंने कहा था कि कल ले लेना। आज मार्केट वैसे बंद रहती है, 3 o'clock तक बंद हो जाएगी, 4 o'clock तक, तो इससे पहले ही हम जा रहे हैं और हम ले लेंगे इनके कपड़े लेके आके, फिर उस कपड़े के मैचिंग के इन लोगों के शूज़ भी लेने हैं तो शूज़ भी ले लेंगे और वही थोड़ा बहुत सामान है। चलो चलते हैं लेके आते हैं मार्केट से, तो निकलते हैं अब मार्केट के लिए। शिवन आओ। चलो कार रख दो शिवान, कार रखो ना, गिर जाएगी। थोड़ा स्टिच था वो करा लिया है हमने। आओ शिवान चाहिए लग रहा था, देखो कैसे लग रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं ये सूट। ये काना का है और ये शिवान का है।
कौन सा शिवान का है? हाँ ये लोअर है, लोअर नहीं है, ये दोनों है। चलो अभी हो गया हमारा, इतनी हो गई बच्चों की शॉपिंग। अब हम चलो खाना बना लेते हैं। खाने में बनाएंगे आज हम पालक पनीर की सब्जी और रोटी शाम में, तो चलते हैं बना लेते हैं। चलो और चेंज वेंज कर ले कपड़े, मार्केट से आए हैं। पालक पनीर बनाने जा रहे हैं, तो पालक पनीर के लिए हमें ये लहसुन और ये प्याज उसको अच्छे से भून लिया है। जल्दी अभी हमारा सब्जी मसाला है तो हम इसमें रख ले रहे, खत्म हो गया था हमारा मसालदानी में, तो अब हम इसमें जो मसाले हैं वो डालेंगे। धनिया, धनिया पाउडर, ये हमारा हल्दी पाउडर, ये हमारा है लाल मिर्च थोड़ा सा, ये तीखा कम है, और ये हमारा सब्जी मसाला, धनिया पाउडर थोड़ा सा और ऐड कर देंगे, तो इसको इसी में मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें, पानी डाल के इसमें मिक्स कर लेंगे और अच्छे से भून लेंगे इसको। प्याज तो अच्छे से भून गया है, अब इसमें ये भूनेंगे फिर हम टमाटर की प्यूरी, ये टमाटर की प्यूरी बना के लाए हैं। टमाटर एक ही टमाटर है, बहुत बड़ा था टमाटर, तो एक ही टमाटर डालेंगे। अभी भूनेगा मसाला, तब तक ये थोड़ा गरम मसाला डाल दे रहे हैं इसमें। ये भून गया मसाला है, तो इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे इसके साथ। अब इसमें हम सॉल्ट डालेंगे, पालक भी हमने ये पीस लिए, ये पालक भी हमने पीस लिए, पालक पनीर इसको फोटो ले। अब इसमें हम पालक डाल देंगे, पालक को भून लेंगे, मसाला भून गया अच्छी तरीके से, खुशबू आने लगी मसाले में। पालक को भी हमने अच्छे तरीके से भून लिया है, अब हम इसमें पनीर डाल दे रहे हैं। पनीर हम ऐसे ही डालेंगे बिना फ्राई किए, अब इसको भी भून लेंगे अच्छे से। ये हो गई, अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। अब इसको 2-3 मिनट पका लेंगे बस, क्योंकि पक तो चुकी है, जो पानी पड़ा है वो भी पक जाए हल्का सा, क्योंकि रसा भी थोड़ा मेरा सही है इतना, ग्रेवी ठीक है पतली। धनिया जो मैंने कट करके रखा है वो हम बाद में डालेंगे, इसको हम ढक देंगे इसको प्लेट से, पकेगी तब तक। पनीर हमारी रेडी हो चुकी है, अब बस अब इसको हम इसमें कर लें, इसमें धनिया पाउडर डाल लें। रेडी हो गई हमारी है पालक पनीर, ये बनके तैयार है। पालक पनीर मेरी बनके तैयार हो गई है, अब हम लोग डिनर करेंगे, खाने खाने जा रहे हैं। चलो खाना खाते हैं।